हाय दोस्तों, वेलकम ऑन तहां मैथ्स चैनल। आज हम जानेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के बारे में। मल्टीपल एंड फैक्टर एक बेसिक लर्निंग टॉपिक है और इसका यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिक कैलकुलेशन में होता है। चाहे आप प्राइमरी क्लास की मैथ्स पढ़ें या हायर क्लास की, इनका यूज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता ही है। मल्टीपल एंड फैक्टर काफ़ी भारी भरकम वर्ड्स लगते हैं, पर यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहले मल्टीपल्स के बारे में समझते हैं। मल्टीपल वर्ड कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, पर ये कुछ नहीं बल्कि सिंपली पूछे गए नंबर्स के टेबल होते हैं। चलिए एग्जांपल्स के ज़रिए से इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 2 के मल्टीपल्स बताइए, तो सिंपली इसका आंसर 2 का टेबल ही होगा, जो कुछ इस तरह होगा 2, 4, 6, 8, 10 और इसी तरह आगे भी। एक्चुअल में किसी नंबर्स के मल्टीपल उसके टेबल ही होते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो। जैसे 3 के मल्टीपल्स कुछ इस तरह होंगे, 4 के मल्टीपल्स कुछ इस तरह होंगे और 7 के मल्टीपल्स कुछ इस तरह। तो दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सभी गिवन नंबर्स के टेबल हैं। ईजली कहें तो गिवन नंबर्स के टेबल को ही मल्टीपल्स कहते हैं। आई होप आपको मल्टीपल्स समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं फैक्टर्स के बारे में। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फैक्टर्स का मतलब बांटना या टुकड़े करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ इस तरह की चॉकलेट हो तो आप इसको कुछ इस तरह बांट सकते हैं, या फिर इस तरह, या इस तरह, या कुछ इस तरह भी बांट सकते हैं। सेम एज नंबर्स को भी हम कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे 12 को हम 2 × 6 लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं, या 1 × 12 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, 12 को इस तरह बांटना ही 12 के फैक्टर्स करना कहलाता है, और 2, 6, 3, 4 और 1 इसके फैक्टर्स कहलाते हैं। कुछ इसी तरह 20 के भी फैक्टर्स करते हैं। 20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं, 5 × 4 लिख सकते हैं, 10 × 2 और 20 × 1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह 20 के फैक्टर्स होंगे 2, 4, 5, 10 और 1। बड़े नंबर्स जैसे 100, 52, 154, इन सब के फैक्टर्स ऑन फिंगर्स फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ होमवर्क है, आप उसको ज़रूर करें, क्योंकि मैथ्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, कॉन्सेप्ट को समझना, नंबर 2, उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई एम श्योर आपको मैथ सिंपल और ईजी लगने लगेगी। एट द एंड मैं अपने व्यूवर्स को थैंक्स करना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी वीडियो को लव एंड सपोर्ट दिया। For that, I highly thankful to you and keep loving and supporting this channel. Till then, goodbye.